गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आप सभी को वेलकम करती हूं आज के स्किन केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। इस वीडियो में आज आप ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट स्किन केयर, बट उससे पहले आप सबके लिए मेरा पहला सवाल, डू यू नो योर स्किन? क्या आप अपने स्किन को जानते हैं? Let's understand some basic about skin. Skin is the second largest multilayer organ. और हम सबके स्किन में होती है 3 different layers. First layer is epidermis, जो protective shield की तरह काम करती है. Second layer is dermis, जिसमें होते हैं cells and tissues, जो strength and flexibility provide करती है हमारे skin को. Third layer is hypodermis, जिसमें होते हैं fat cells. So जैसे हमारी age बढ़ती है, हमारे एपिडर्मिस लेयर में काफ़ी सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सो 30s में हमारी स्किन जितनी हेल्दी रहती है, जब हम स्टेप इन करते हैं 40s या 50s में, उस समय हमारे स्किन में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑकर करते हैं, लाइक मॉइस्चर लॉस, ड्राइनेस, इचिंग, रेडनेस एंड मेनी अदर स्किन केयर कंसर्न्स। अब इन सारी चीज़ों से अगर हमें केयर लेनी है तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है एक प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट। बट उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है टू नो योर स्किन टाइप। सो बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंट स्किन टाइप। सो द फर्स्ट इज द ड्राई स्किन, जहाँ पे मॉइस्चर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अदर स्किन टाइप। सेकेंड इज द ऑयली स्किन, जहाँ पे ओवरऑल फेस में ऑयल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा रहती है। थर्ड स्किन इज द कॉम्बिनेशन स्किन, जहाँ पे टी जोन में ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा रहती है और सी जोन जो है वो बेसिकली ड्राई रहती है। फोर्थ इज द नॉर्मल स्किन टाइप, जो बहुत ही रेयर लोगों को मिलती हैं, लाइक आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सपल एंड नेचुरली ग्लो करती है थ्रू आउट द डे बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स, बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो जब आपको अपनी स्किन टाइप पता होती है, अब आपको ये भी पता करना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नली एंड इंटरनली आपके स्किन को इफेक्ट करती हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल मींस आप कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, कितने लीटर पानी पीते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रह सकती है। सेकंड फैक्टर स्ट्रेस, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वो विजिबल होते हैं हमारे स्किन पे। थर्ड फैक्टर इज पॉल्यूशन, जिससे बचने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे एक्सटर्नल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। फोर्थ इज द डाइट, इसका मतलब आपके डाइट में क्या सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स हैं या नहीं, क्या आप सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं या नहीं, बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। फिफ्थ आर द अल्ट्रावायलेट रेज, जिससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए सनस्क्रीन। एंड सिक्स आर द हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स, जिसको अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्किन में बहुत सारे डैमेजेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। So, कैसे आप अपने स्किन को इन सारे फैक्टर्स से बचा सकते हैं? बिकॉज अगर ये फैक्टर्स रेगुलर बेसिस पे आपके स्किन को इफेक्ट करेगी तो बहुत सारे स्किन डैमेजेस आपके स्किन में विजिबल होंगे, लाइक पिगमेंटेशन, एक्ने, अर्ली एजिंग, ड्राई लाइंस, रेडनेस एंड रिंकल्स। अब इन स्किन डैमेजेस से बचने के लिए आपको स्किन की केयर करनी जरूरी है। और स्किन की केयर आप कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग करेक्ट स्किन केयर रिजीम। सो बिफोर वी स्टेप इनटू करेक्ट स्किन केयर रिजीम, चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास श्लोका की जो रेंज है वो किस तरीके से हमारी डेली स्किन केयर नीड्स को मीट कर सकती है। सो श्लोका जो हमारी ब्रांड है वो बेसिकली हैज बीन डेवलप्ड फॉर डेली स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज, जो इंडियन रूट्स है, बट क्वालिटी जो है उसकी वो इंटरनेशनल स्किन केयर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की तरह है। इन प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट की गई है फ्रांस में और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंडर इन प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट की गई है। हर एक प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स यूज की गई हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं आपको मिलती है 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो रेगुलर आप फॉलो करके आपके स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकंड स्टेप इज टोनिंग, थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट, फोर्थ स्टेप इज मॉइस्चराइजेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज प्रोटेक्शन। अगर इन 5 स्टेप्स को हम डेली मॉर्निंग,
एंड इवनिंग को यूज करें तो डेफिनेटली हम सब अपने स्किन को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। सो आज के सेशन में आपने देखा कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट स्किन केयर एंड द डेली स्किन केयर स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इन 5 स्टेप्स को हम डिटेल में लोगों को एक्सप्लेन करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्किन केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज के सेशन में हम बेसिक स्किन केयर के फर्स्ट 3 स्टेप्स के बारे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, विच इज क्लेंजिंग, जो हमें रेगुलरली करना चाहिए दिन में 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्लेंजिंग करने से हम हमारे स्किन की जो गंदगी है उसको रिमूव कर सकते हैं और स्किन को सेफ एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जिसको इस्तेमाल करने से हम हमारे फेस को क्लीन कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज प्यूरिफाइंग नीम एंड गो टू कलर फेस वॉश, विच इज एनरिच्ड विद नीम एंड गो टू कलर, जो हमारे स्किन को हील करती है, रेजुविनेट करती है और एक हेल्दी स्किन रखने में हेल्प करती है। ये एक डेली क्लेंजिंग प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम फेस की क्लीनिंग के लिए विदाउट ओवर ड्राइंग द स्किन। इसमें 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक नीम एक्सट्रैक्ट विच इज एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड इसमें बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं एंड इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई। और नीम रहने की वजह से ये पिंपल्स और एक्ने के लिए बहुत ही यूजफुल है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज गो टू कलर, जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को हील करती है, हमारे स्किन को रेजुविनेट करती है और एक हेल्दी स्किन रखने में हेल्प करती है। इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम रेगुलरली अपने फेस की डीप क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे स्किन में जो एक्सेस ऑयल की सिक्रीशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और पिंपल्स एक्ने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कम कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप। कैसे यूज करना है, हम फेस को पहले पानी से गीला कर लेंगे, थोड़ी सी प्रोडक्ट फिंगर टिप्स में ले लें, उसको मसाज करें पूरे फेस में और फिर वॉश करें पानी से एंड पैड ड्राई करें। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के, दैट इज फेस वॉश मेन प्यूरिफाइंग लाइम पिल एंड नीम, विच इज बेस्ट फॉर मेन। इट इज एनरिच्ड विद लाइम पिल एंड नीम एक्सट्रैक्ट, जिसको इस्तेमाल करने से हम हमारे स्किन के जो एक्सेस ऑयल है, स्वेट है, डर्ट है, पोल्यूटेंट्स है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे स्किन के डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, इसमें लेमन पिल है जो हमारे स्किन को लाइटन करती है और एक क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम करती है, जिससे हम हमारे स्किन के एक्सेस ऑयल और गंदगी को दूर कर सकते हैं। नीम एक्सट्रैक्ट है जो एंटीबैक्टीरियल है, जो हमारे स्किन के पिंपल्स और एक्ने से फाइट करने में बहुत ही यूजफुल है। मेंथॉल है जो स्किन को एनर्जाइज करती है और साथ ही साथ काफी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकती है। कैसे यूज करना है, पहले हम हमारे फेस को पानी से गीला कर लेंगे, फिर थोड़ी सी प्रोडक्ट हम फिंगर टिप्स में ले लें, उसको मसाज करें पूरे फेस और नेक पे, आईज एरिया को अवॉइड करेंगे और उसके बाद हम पानी से वॉश करके पैड ड्राई कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट इज मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, विच इज एनरिच्ड विद मोरक्कन आर्गन ऑयल सेरम। इसमें ढेर सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं एंड इट इज रिच इन विटामिन ई। इस प्रोडक्ट को जब हम रेगुलरली यूज करते हैं, हम हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल रख सकते हैं। ये एक लाइट वेट मल्टीटास्किंग ऑयल बेस्ड क्लेंजर है जिसमें ढेर सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं एंड हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई हैं, जो हमारे स्किन को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट दे सकती हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन सेल्स को रीजेनरेट कर सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हमारे स्किन से जो गंदगी है उसको जेंटली रिमूव करती है बिना हमारे स्किन को ड्राई किए, हमारे स्किन को सॉफ्ट रख सकती है, सपल कर सकती है और कम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करती है ये। इट इज द ओनली क्लेंजर विद मोरक्कन आर्गन ऑयल इन द मार्केट। कैसे यूज करना है, हम पहले अपने फेस को पानी से गीला कर लेंगे, थोड़ी सी प्रोडक्ट फिंगर टिप्स में ले लें,
मसाज करें पूरे फेस में, आईज एरिया को अवॉइड करके, एंड उसके बाद पानी से वॉश करें एंड पैड ड्राई करें। तो ये थी हमारी 3 प्रोडक्ट्स जो हम क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप के बारे, विच इज टोनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमें दिन में 2 बार करनी है जब हम फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश के दौरान हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाती हैं, और उसको मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने स्किन को सेफ रखना चाहते हैं। सो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको रेगुलरली करना है टोनिंग। सो हमारे पास 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर है हमारी टोनिंग के लिए, विच इज एनरिच्ड विथ कैमोमाइल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो हमारे फेस में 3 फंक्शन कर सकती हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मेकअप रिमूविंग। इसको इस्तेमाल करने से हम हमारे स्किन के पोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक ग्लिसरीन, जो स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन करती है, कैमोमाइल है जो हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हमारे स्किन को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? फर्स्ट, हम इससे अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं। सेकंड, हम इससे हमारे मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। एंड थर्ड, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और फेस वॉश की सुविधा ना हो, उस समय आप इस प्रोडक्ट से अपनी फेस की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे स्किन को सन डैमेज से भी बचाती है। कैसे यूज करना है? आप गीले कॉटन में 3 से 4 ड्रॉप इस प्रोडक्ट को ले लें और अपने फेस पे फेस वॉश के बाद डैप करें। इससे हम हमारे स्किन में जो पोर्स है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें पानी से अपने फेस को वॉश करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी सेकेंड स्टेप, विच इज टोनिंग। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे, विच इज ट्रीटमेंट, और ये एक ऐसी स्टेप है जो जरूरत पड़ने पे हम यूज कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, अंडर आई क्रीम, फेयरनेस क्रीम एंड वाइटनिंग क्रीम। तो चलिए हम बात करते हैं अंडर आई क्रीम के बारे, विच इज एनरिच्ड विथ आलमंड ऑयल, अश्वगंधा एंड गोटू कला। इसमें ढेर सारे विटामिन हैं जो हमारे स्किन को नरिश करती हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेजन जो हमारे स्किन को फर्म रख सकती है एंड सॉफ्ट एंड सपल रख सकती है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक आलमंड ऑयल, जिसमें बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है और हमारे स्किन नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट है। अश्वगंधा है जो स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाती है, हमारे कोलेजन को बूस्ट करती है। गोटू कला है जो स्किन प्रॉब्लम से हील करती है, रेजुविनेट करती है, यानी कि हेल्थी स्किन रखने में हेल्प कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? लाइक हम हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस कर सकते हैं जो आईज के सराउंडिंग एरियाज में आ जाती हैं। हमारे आईज के नीचे जो आई बैग बन जाती है, जिसको हम पफिनेस कहते हैं, उसको कम कर सकते हैं, और जो फाइन लाइंस हमारे आईज के नीचे आ जाती है स्ट्रेस के वजह से या एज के वजह से, उसको भी हम कम कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? पहले आप फेस को क्लीन करें, देन टोनिंग करें, एंड उसके बाद इस प्रोडक्ट को फिंगर टिप्स में लें और बहुत ही हल्के हाथों से अपने आई एरिया में इसको अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे, विच इज द फेयरनेस क्रीम, विच इज एनरिच्ड विद रोज एंड हनी, जो हमारी कोलेजन कंसेंट्रेशन को बूस्ट कर सकती है। इसमें 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, रोज एक्सट्रैक्ट जो हमारे स्किन के ड्राइनेस को कम करती है, स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। हनी है इसमें जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है और एक ग्लोइंग स्किन मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करें तो हम हमारे कम्प्लेक्शन को बेटर कर सकते हैं, हम हमारे स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं, स्किन की डलनेस को रिमूव कर सकते हैं और स्किन को ग्लोइंग मेंटेन कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? हम फेस को क्लीन करेंगे, टोनिंग करेंगे और उसके बाद इस प्रोडक्ट को पूरे फेस और नेक पे यूज करेंगे दिन में 2 बार। अब हम बात करेंगे
हमारे नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोडक्ट के बारे, विच इज व्हाइटनिंग क्रीम एनरिच्ड विथ लेमन एंड टर्मरिक, बेस्ट फॉर पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डार्क स्पॉट एंड ब्लेमिश्ड स्किन। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक लेमन एक्सट्रैक्ट जो हमारे स्किन को लाइटन करती है, हमारे स्किन से किसी भी प्रकार के डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट रहने की वजह से ये हमारे स्किन के डिस्कलरेशन को इम्प्रूव करती हैं और स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर सकती है। इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फर्स्ट, ये हमारे स्किन टोन को लाइटन करेगी, हमारे स्किन से ब्लेमिशेस को कम कर सकती है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस कर सकती है, स्किन की डिसकलरेशन और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को भी कम करती है, प्लस हमारे स्किन में एक इवन स्किन टोन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। कैसे यूज करना है? पहले हम क्लीनिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे और उसके बाद इस प्रोडक्ट को पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करेंगे। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स हम इसको दिन में दो बार यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की तीन बेसिक स्टेप्स, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन अपने स्किन के लिए ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्किन केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज के इस सेशन में हम बेसिक स्किन केयर के स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 की जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद स्टेप नंबर 4, विच इज मॉइस्चराइजेशन। जैसे हमारे स्किन के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मॉइस्चराइजेशन स्टेप भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, विच इज एनरिच्ड विद पपाया एंड हिबिस्कस, जिसको इस्तेमाल करके हम पूरे दिन अपने स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं एंड अपने स्किन को एक फ्रेशनेस दे सकते हैं। इसमें दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट जो सेल रीजनरेशन पे वर्क करती हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन को डीप मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती हैं एंड हमारे स्किन में जो एजिंग के साइंस आते हैं उसको रिड्यूस करती हैं। देन वी हैव पपाया सीड एक्सट्रैक्ट इन इट जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करती हैं और हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं एंड स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रख सकते हैं। दिस इज अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। हाउ टू यूज इट? हम पहले स्किन को क्लीनिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस मॉइस्चराइजर को फिंगर टिप्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेस और नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे, विच इज रिजुविनेटिंग डे क्रीम एनरिच्ड विद लेवेंडर, आलमंड एंड जोजोबा ऑयल। इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमारे स्किन को एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है जो हमारे स्किन को नेचुरली हेल्दी एंड ग्लोइंग रख सकते हैं। इसमें लेवेंडर रहने की वजह से ये हमारे स्किन को टोन करती है एंड फर्म रखती है, स्किन की सर्कुलेशन को बढ़ाती है एंड हमें प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। आलमंड ऑयल की वजह से ये हमारे स्किन को सफिशियंट नरिशमेंट देती है बिकॉज ऑफ विटामिन ई इन इट एंड जोजोबा ऑयल की वजह से ये हमारे स्किन को नेचुरली ग्लोइंग एंड हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम प्री मच्योर एजिंग से बचा सकते हैं, स्किन की ग्लो को रिस्टोर कर सकते हैं एंड एक यूथफुल लुक मेंटेन कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट? पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस क्रीम को मसाज करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन आपके फिंगर टिप्स के साथ ऑन योर फेस एंड नेक। अब हम बात करते हैं हमारे नाइट मॉइस्चराइजर के बारे, विच इज द एंटी एजिंग नाइट क्रीम, विच इज एनरिच्ड विद कोलेजन एंड विटामिन ई, जो हमारे स्किन के कोलेजन कंसेंट्रेशन को बढ़ाती है, हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है एंड हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होती हैं उसको भी रिड्यूस करने में ये हमें सपोर्ट करती है। इसमें दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोलेजन जो हमारे स्किन को फर्मनेस एंड स्ट्रेंथ देती है एंड हमारे स्किन में जो वाटर लॉस होती है उसको कम करती है जिससे हमारे स्किन सॉफ्टर एंड स्मूदर रहती है। विटामिन ई है इसमें जो हमारे स्किन को
नरिशमेंट देती है एंड हमारे स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती है। अगर हम इस क्रीम को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होती है उससे हम हमारे स्किन को सेफ रख सकते हैं, फोटो डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं एंड हमारे स्किन को हम हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस प्रोडक्ट को हम रेगुलरली नाइट टाइम में यूज करेंगे ऑन योर फेस एंड नेक। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज बॉडी बटर एनरिच्ड विथ शिया बटर एंड आलमंड ऑयल, जिसको यूज करने से पूरे दिन आप अपनी बॉडी के स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। ये एक अल्ट्रा डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आपके बॉडी के लिए, एक नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है जो हर कोई आपके घर पे यूज कर सकते हैं। शिया बटर है इस प्रोडक्ट में, जिसमें ढेर सारे फैटी एसिड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये एक एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर का काम करती है हमारे बॉडी के लिए। इसमें आलमंड ऑयल है जो हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई कंटेंट करती है, जिससे हमारे स्किन को हम एक बढ़िया सी नरिशमेंट भी दे सकते हैं। अगर हम इस क्रीम को रेगुलर अपने बॉडी पे यूज करें तो हम हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, स्किन को रेजुविनेट कर सकते हैं, स्किन को सिल्की एंड स्मूथ मेंटेन कर सकते हैं। इट इज एक्सेलेंट फॉर ड्राई स्किन। हाउ टू यूज इट, हम नहाने के बाद एवरीडे बेसिस पे मॉर्निंग को अपने एंटायर बॉडी में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट एंड अगर चाहें तो हम नाइट टाइम में भी इसको दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी स्टेप विच इज प्रोटेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास दो सनस्क्रीन हैं, SPF 30 एंड SPF 50। सो प्रोटेक्शन एक ऐसी स्टेप है जो हमें रेगुलर करनी है आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, चाहे हम घर के अंदर हो या हम घर के बाहर जाएं, बट दिस इज अ डेली इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो प्रोटेक्शन को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से आपके सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो आपके स्किन को किस तरीके से डैमेज कर सकती है। सो देर आर 3 अल्ट्रा वायलेट रेज। फर्स्ट अल्ट्रा वायलेट ए, जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करती है अप टू डर्मिस एंड हमारे स्किन में प्रीमैच्योर एजिंग, सैगिंग एंड रिंकल्स क्रिएट करती है। सेकेंड अल्ट्रा वायलेट बी, शॉर्टर वेवलेंथ, जो बेसिकली एपिडर्मिस तक अब्जॉर्ब होती है एंड हमारे स्किन में टैनिंग डेवलप करती है। थर्ड अल्ट्रा वायलेट सी, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट एनर्जी बट मोस्ट डेंजरस वेवलेंथ। अगर इन सारी अल्ट्रा वायलेट रेस से आप अपने स्किन को बचाना चाहते हैं तो आपको यूज करना है सनस्क्रीन। सो फर्स्ट इज SPF 30। सो चलिए जान लेते हैं SPF के बारे। SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो इसमें है 30 SPF, मींस 300 मिनट्स, व्हिच गिव्स 5 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये सनस्क्रीन इज एनरिच्ड विद गोटुकला एंड क्यूकम्बर। गोटुकला हमारे स्किन को रिपेयर करती है एंड क्यूकम्बर हमारे स्किन को लाइटन करती है। इस प्रोडक्ट में वी हैव PA++, जो 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज। इट इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। क्यूकम्बर हमारे स्किन को लाइटन करते साथ ही हमारे स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है एंड गोटुकला हमारे स्किन को हील करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को हेल्दी भी रखती है। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड मॉइस्चराइजिंग के बाद इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम अल्ट्रा वायलेट ए एंड अल्ट्रा वायलेट बी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इट इज अ नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट, तो हम इसको डेली लगा सकते हैं अपने फेस पे, अपने नेक पे एंड एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द स्किन में। देन हम बात करेंगे SPF 50 के बारे, विच इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, एलोवेरा एंड कॉम्फ्रे। इसमें विटामिन हैं जो हमारे स्किन को सन डैमेजेस से बचाती हैं, हमारे स्किन को सन बर्न से एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। इसमें भी वी हैव PA++, जो 3 टाइम्स ज्यादा प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम UVA रेज। सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड बिकॉज इसमें SPF 50 है तो हमारे स्किन को हम करीबन 7 घंटे के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कॉम्फ्री जो इसकी नेचुरल इंग्रेडिएंट है,
ये हमारे स्किन को डैमेजेस से बचाती हैं। विटामिन ए के वजह से ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है, नरिशमेंट देती है। एंड बिकॉज इट कंटेन्स एलो लीव जूस, ये हमारे स्किन को सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देती है। नॉन ग्रीसी क्रीम है, अगर हम इसको रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम यूवी ए एंड यूवी बी से बचा सकते हैं, हमारे स्किन में एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे स्किन को प्री मेच्योर एजिंग से हम बचा सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग, देन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, देन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स के बाद हम सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं अपने फेस पे, अपने नेक पे एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्किन में। तो ये थी हमारी फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टेप। सो बेसिक स्किन केयर के बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे स्किन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है स्किन केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वीकली स्किन केयर के बारे, जो हमें वीक में वंस या ट्वाइस करना जरूरी है। वीकली स्किन केयर में आती है थ्री स्टेप्स लाइक एक्सफोलिएशन, जो हम फेस स्क्रब के थ्रू में कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज फेशियल मसाज एंड थर्ड स्टेप इज फेस पैक। तो चलिए देखते हैं वीकली स्किन केयर करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे पहले स्टेप एक्सफोलिएशन के बारे। अगर हम वीक में वंस या ट्वाइस एक्सफोलिएशन करें तो हमारे स्किन में जो डेड स्किन सेल्स है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और हम हमारे स्किन को एक हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग स्किन मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम एक्सफोलिएशन ना करें तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई एंड डल लुक हमें दे सकती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप विच इज फेशियल मसाज। मसाज एक ऐसी स्टेप है जिसको अगर हम रेगुलर बेसिस में करें तो हमारे स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, विच विल ब्रिंग ऑक्सीजन टू द स्किन और हमारी स्किन एक रिलैक्स स्किन की तरह लुक हम मेंटेन कर सकते हैं। फेशियल मसाज करने से हम हमारी स्किन की फर्मनेस बढ़ा सकते हैं, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप विच इज फेस पैक। सो अगर हम फेस पैक वीक में वंस या ट्वाइस अप्लाई करें तो हम हमारे स्किन से एक्सेस जो ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज एन एक्सेलेंट वे जिससे हम हमारे इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, हमारी स्किन की हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एक सूदिंग एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट हम हमारे स्किन में मेंटेन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं स्टेप्स के बारे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम इन स्टेप्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है स्किन केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे जो हम वीकली स्किन केयर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप विच इज एक्सफोलिएशन, जहां हम फेस स्क्रब्स यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एवोकाडो फेस स्क्रब एनरिच्ड विद एवोकाडो, ओटमील एंड नेरोली, जिसमें प्रेजेंट है प्रोटीन्स एंड विटामिंस। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एवोकाडो, जो एक स्किन सॉफ्टनर एंड कंडीशनर है जिसमें प्रेजेंट है प्रोटीन्स एंड विटामिंस। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज नेरोली, जो स्किन रीजनरेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करती है और हमारे चेहरे में जो दाग धब्बे होते हैं उससे भी प्रिवेंशन देती है। थर्ड इंग्रेडिएंट इज ओटमील, जो हमारे पोर्स से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। इस स्क्रब को अगर हम वीकली वंस या ट्वाइस यूज करें तो हम हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं, चेहरे को हाइड्रेटेड रख सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे स्किन को रिवाइटलाइज भी कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हमारे फेस को हमें पानी से गीला करना है, फिर स्क्रब को हम फिंगर टिप्स में ले लेंगे, 2 से 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में हम इसे मसाज करेंगे एंड देन पानी से वॉश करना है। सेकेंड प्रोडक्ट इज मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब, विच इज एनरिच्ड विद मोरक्कन आर्गन ऑयल, सिसम सीड ऑयल एंड बीस्वैक्स।
इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं एंड विटामिन ई है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सिसम सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, जो एक एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज मोरक्कन आर्गन ऑयल, विच इज अ लाइट वेट मल्टीटास्किंग ऑयल लोडेड विद नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, हाई लेवल्स ऑफ विटामिन ई। थर्ड इंग्रेडिएंट इज बीस वैक्स, जो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इस स्क्रब को अगर हम वीकली वंस या ट्वाइस यूज करें तो हम स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं, हमारे स्किन में एक एक्सेलेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर मैच्योर एंड ड्राई स्किन। ये ओनली स्क्रब है मार्केट में जिसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल प्रेजेंट है। कैसे यूज करना है? पहले हम फेस को पानी से गीला कर लेंगे, देन स्क्रब को हमें फिंगर टिप्स में लेना है एंड सर्कुलर मोशन में हम इसे मसाज करेंगे 2 to 5 minutes के लिए, देन पानी से इसे वॉश ऑफ कर लेना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप फेशियल मसाज के बारे, जिसके लिए हमारे पास है हाइड्रो नरिश फेशियल क्रीम, विच इज एनरिच्ड विद शेयर बटर एंड आलमंड ऑयल। इसमें एसेंशियल ऑयल है जो हमारे चेहरे को एक नेचुरल ग्लो दे सकती है। अब बात करते हैं इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज शेयर बटर, विच इज रिच इन फैटी एसिड्स एंड काम करती है एक एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर की तरह। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज आलमंड ऑयल, जिसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है, जो हमारे चेहरे को एक नरिशमेंट देती है। थर्ड इंग्रेडिएंट इज ऑलिव ऑयल, जो हमारे स्किन को एक इंटेंस नरिशमेंट देती है। अगर इस प्रोडक्ट को हम वीक में वंस या ट्वाइस यूज करें तो हमारे चेहरे को हम एक ऑप्टिमल स्किन नरिशमेंट दे सकते हैं, हमारे चेहरे को हम डी स्ट्रेस कर सकते हैं, स्किन को फर्म रख सकते हैं, टोन्ड रख सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे स्किन में जो एजिंग के साइंस आते हैं उससे भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है? आफ्टर स्क्रबिंग एज अ मसाज क्रीम हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मसाज करना है फॉर 10 to 12 minutes। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, दैट इज फेस पैक के बारे। सो हमारे पास दो फेस पैक है, वन इज द डिटैन फेस पैक एंड सेकेंड इज द ग्लो फेस पैक। सबसे पहले बात करते हैं डिटैन फेस पैक के बारे, विच इज एनरिच्ड विद तुलसी ऑयल, क्लोव ऑयल एंड पेपरमेंट ऑयल, जिसके इस्तेमाल करने से हम कम्प्लेक्शन को फेयर कर सकते हैं। हमारे स्किन में जो सन बर्न एंड सन स्पॉट है उसके लिए ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एंड साथ ही साथ ये हमारे स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी दे सकती है। अब बात करते हैं इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज तुलसी ऑयल, जो स्किन को डिटैन करती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज क्लोव ऑयल, जो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल है, जो स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है एंड सेल्स को रेजुविनेट करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट इज पेपरमेंट ऑयल, जो स्किन में एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करती है और हमारे स्किन को एक क्लियर लुक देती है। इस फेस पैक को अगर हम वीक में वंस या ट्वाइस यूज करें तो हमारे स्किन को हम डिटैन कर सकते हैं, स्किन में एक फेयरर एंड ब्राइटर लुक ला सकते हैं, स्किन को रेजुविनेट कर सकते हैं और सन बर्न से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हाउ टू यूज इट? मसाज के बाद हम इस फेस पैक को अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, 10 टू 12 मिनट्स इसको रखेंगे एंड देन पानी से वॉश ऑफ कर लेंगे। सेकेंड फेस पैक इज ग्लो फेस पैक, विच इज एनरिच्ड विद ऑरेंज पिल एंड क्ले, जिसके यूज करने से हम स्किन की कम्प्लेक्शन को बढ़िया कर सकते हैं। स्किन के लिए ये एक एक्सेलेंट नरिशमेंट फेस पैक है, जो हमारे स्किन को एक इंस्टेंट फेस लिफ्टिंग का सपोर्ट भी दे सकती है। अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज वाइट क्ले, जो स्किन को फर्म करती है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, स्किन को लाइटन करती है एंड साथ ही साथ स्किन को हेल्दी भी रखती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज ऑरेंज पिल, जो स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करती है, एक इवन स्किन टोन मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है एंड साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेटेड भी रखती है। अगर इस फेस पैक को हम वीक में वंस या ट्वाइस यूज करें तो स्किन की कलर एंड टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, टोन रख सकते हैं, स्किन को फॉर्म मेंटेन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ एक यूथफुल स्किन मेंटेन कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट? आफ्टर मसाज हम इस फेस पैक को
इवनली अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, 10 टू 12 मिनट्स रखेंगे एंड देन हम पानी से इसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। सो आपके पास है ये स्किन केयर चार्ट, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप डेली स्किन केयर में यूज कर सकते हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट आप वीकली स्किन केयर में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।